for the answers to the universe, waiting for someone to. हेलो माय गॉर्जियस एंड लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस एंड स्टाइल्स। मैं हूं मिली और जी हां, आज हम देखने वाले हैं ये वाला मेकअप लुक। यस, ये मेकअप लुक जो है मैंने हाई एंड वर्सेस ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स के साथ अचीव किया है। और आप अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी साइड हाई एंड की है, कौन सी साइड जो है ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स की है, अभी के अभी बताइए, क्योंकि कोई भी गेस नहीं कर सकता है। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, आप उनको एज अ ड्यूप भी ले सकते हो, या आप कह सकते हो कि उन दोनों का जो आउटकम है सेम ही आता है। हाई एंड प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मेकअप वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है, जो या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स ही अच्छे होते हैं, उन्हीं से अच्छा मेकअप लुक आता है। नहीं, आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स, बजटेड प्रोडक्ट्स के साथ भी इस तरह का लुक अचीव कर सकते हो। आज जो मैंने हाफ फेस पे हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, हाफ फेस पे मैंने ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमत उनसे आधे से भी आधी होगी। और अगर आप भी ये मेकअप लुक देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो ये देखने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपके लाइक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए कर दीजिए और अब हम ये लुक देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। हेलो, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने फेस को प्राइम करेंगे इस मैक के फिक्सर से, और यहाँ पर मैं लैक्मे का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, पोर फिक्सर, जो कि काफ़ी डिफरेंस है प्राइस में। और अब मैं ये स्टील ऑर्डर का जो है फाउंडेशन यूज़ करूँगी, एक तरफ 1800 रुपीज़ एंड एक तरफ जो है आप देख सकते हो ड्रग स्टोर का प्रोडक्ट है, कितना ही अफोर्डेबल है। और इस दोनों को हम ब्लेंड कर देंगे। फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ये डिफरेंस भी पता लगे। तो अब हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, दोनों की एक जैसी है। अगर आपको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके अपने आइज़ के नीचे लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैं डेमो के लिए दिखा रही हूँ कि जिनको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है। और अब एक तरफ हम मैक का स्टूडियो फिक्स लेंगे और एक तरफ हम लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे। इन दोनों की ही प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ही ज़्यादा, और इन दोनों का आउटकम एकदम सेम आता है। एक तरफ, दो तरफ, दोनों तरफ में कोई फ़र्क मुझे नहीं नज़र आता। अब हम ब्रॉन्ज़र लेंगे, एक तरफ भामा मामा का ब्रॉन्ज़र हम यूज़ करेंगे और दूसरी तरफ हम रिमेल लंदन का ब्राउन्ज़र यूज़ करेंगे, जो है प्राइस वगैरह सब मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हुए हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों का ही आउटकम एकदम से सेम आ रहा है, देखिए। और अब हम एक तरफ बाम कॉस्मेटिक का ये पैलेट यूज़ करेंगे, जिसमें कि ब्लशर और हाइलाइटर दोनों हैं। ये वाला शेड लेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा मुझे, इसका कोई पिगमेंटेशन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और एक तरफ हम शुगर का यूज़ करेंगे, जो द बाम कॉस्मेटिक का ब्रॉन्जर है, उसको जो है लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा स्क्रेप करना पड़ा और थोड़ा सा उसमें दूसरा शेड मिक्स करना पड़ा, तब जाके उसका जो है आउटकम मेरे चीक्स पे नज़र आ रहा था। आई डिडंट लाइक दैट। मुझे उसका हाइलाइटर ज़रूर पसंद आया है और जो शुगर कॉस्मेटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसका ब्रॉन्जर, ये सॉरी ब्लशर, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और अब हम एक तरफ जो है ये मॉर्फी का पैलेट यूज़ करेंगे, 1900 का पैलेट है ये, पर्पल वर्जन है, और इसमें से जो है हम ब्राउनी और न्यूडी सा शेड लेके जो है ट्रांजिशन पे। और दूसरी तरफ जो है मैं ये SFR का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, 250 रुपीज़ इसका प्राइस है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख सकते हो। और ब्रश को क्लीन करके मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको दिखाया है मैंने। और अब हम जो है ब्लेंडिंग शुरू करेंगे, डार्क शेड लेके थोड़ा सा उसको लाइट शेड से हम ब्लेंड करते जाएंगे। जो दोनों ही सिमिलर लुकिंग कलर्स हैं हम वो यूज़ कर रहे हैं पैलेट्स में से, सो दैट हमारा लुक जो है काफ़ी सिमिलर आए। और इन दोनों का ही आउटकम मुझे बहुत बढ़िया लगा है। एंड ऑब्वियसली मॉर्फी के पैलेट्स तो वैसे भी bomb.com जैसा इफ़ेक्ट देते हैं, लेकिन SFR के पैलेट्स भी बहुत अच्छे हैं एंड इनका भी आउटकम ऑलमोस्ट सेम आता है। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा जो है लोअर लैश पे भी लेके आई हूँ कलर को। और अब हम एक तरफ जो है मैक का पेंसिल यूज़ करेंगे,
जो कि 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर आता है। और दूसरी तरफ जो है हम प्लम का काजल यूज़ करेंगे जो आपको 350 रुपीज़ का मिल जाएगा। मैक का जो काजल है वो भी ऑलमोस्ट इन दोनों का जो आउटकम है सेम आता है। जो प्लम का काजल है थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है विंटर्स में, थोड़ा सा उसको वार्म देख के आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आएगा आपकी आइज़ के ऊपर। और दोनों ही बहुत ही स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ काजल हैं। अब इन्हें हम स्मच भी कर रहे हैं थोड़ा सा, और अब हम थोड़ा सा पर्पल कलर लेके, अभी मैं आपको कलर भी दिखाऊंगी। ये जो कलर है देखने में काफ़ी लाइट लग रहा था लेकिन आइज़ के ऊपर एकदम से पॉपअप हो के आया है, जो मॉर्फी का है। और इसमें से जो SFR का कलर है वो तो ऑलरेडी थोड़ा सा डार्कर साइड पे था, तो हमने दोनों को लगाया है। एक तरफ थोड़ा लाइट लग रहा होगा आपको, ये देखिए ये वाला जो शेड है मैं ये लगा रही हूँ, इसे मैं थोड़ा हाथ से भी पिगमेंटेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। और इसको उसके अंदर एक हाइलाइटिंग शेड है पिंक कलर में, उससे हमने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट भी किया है। और सेम ही जो अंदर डार्क ब्राउन कलर है उससे हम अपने आईब्रोज को भी फिल कर रहे हैं। और जो SFR का पैलेट है उसमें भी सेम शेड्स हैं, उन्हीं से हम जो है अपना लोअर लैश भी थोड़ा सा मैं अपना डिफाइन कर रही हूँ स्मच करके, आप देख सकते हो। लुक जो है काफ़ी हद तक सिमिलर आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और अब हम लिपस्टिक्स भी यूज़ करेंगे। ये है एक तरफ 250 रुपीज़ की मिस क्लेयर की लिपस्टिक, और एक तरफ है ऑल फायर्ड अप मैक की जो कि काफ़ी कॉस्टली है और 250 रुपीज़। इन दोनों का जो शेड है थोड़ा सा डार्कर और लाइटर लगा मुझे, लेकिन इन दोनों का जो इफ़ेक्ट है आपके लिप्स के ऊपर काफ़ी हद तक सिमिलर आता है। और वैसे मैंने तो इन दोनों को थोड़ा सा लाइटर करना ही है क्योंकि मैं इनके ऊपर ग्लॉस लगाऊंगी बाद में। अभी फ़िलहाल मैं टू फेस का एक तरफ जो है मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, कीमत आप देख सकते हो, और दूसरी तरफ मैं नायका का यूज़ करूँगी। बिलीव मी, दोनों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ, दोनों का ही आउटकम बहुत बढ़िया आता था। और अब हम जो है उसी पैलेट में से हाइलाइटर शेड लेके लगाएंगे और अपनी ब्रोबोन को भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लूँगी और अपने फेस को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। और दूसरी तरफ जो है मैं जो अफोर्डेबल साइड पे है उसमें मैं यूज़ करूँगी मिस क्लेयर की जो हाइलाइटिंग पैलेट आती है वो यूज़ करूँगी, और वो काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको 350 रुपीज़ में ईज़िली मिल जाएगी। बिकॉज उसका भी जो आउटकम है वो इतना बढ़िया आता है, आप देखो कितना कितना ही फ्लॉलेस आपका लुक आएगा इससे, और एकदम ही जो आपका लुक है चेंज हो जाएगा। ये वाला जो पैलेट है मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं ऊपर दिखा भी रही हूँ आपको, और मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है ये जो इसका जो इफ़ेक्ट है। इससे मैंने अपने फेस को हाईलाइट कर लिया है, अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर जो है ग्लॉस लगाएंगे। एक तरफ जो है मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ग्लॉस लगाऊंगी और दूसरी तरफ मैं इतना जो कॉस्टली वाला लिप प्लम्पर है टू फेस का वो लगाऊंगी, और दोनों का ही इफ़ेक्ट बिल्कुल सिमिलर आया है। एंड एक तरफ मैं मैक का फिक्स प्लस यूज़ कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं वेट एंड वाइल्ड का ये छोटू सा क्यूट सा 350 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा फिक्सर वो यूज़ करूँगी, और दोनों का ही इफ़ेक्ट बहुत बढ़िया है। आप देखना, अभी मेकअप लुक कम्प्लीट है। अब आप मुझे बताओ आपको कौन सा वाला लुक लग रहा है, कौन सी तरफ आपको लग रहा है कि हमने जो है ड्रग स्टोर और काफ़ी ज़्यादा सस्ते वाले प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, उससे आधे से भी आधे कीमत के प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं, और एक तरफ हमने हाई एंड प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। दोनों का ही आउटकम बहुत बढ़िया आया है एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस तरह का वीडियो करने में। और अब आपकी जो थिंकिंग है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि ड्रग स्टोर के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, कुछ लोगों को लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छा मेकअप लुक देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। बाय बाय।
तो देखा आपने ये मेकअप लुक हमने कैसे अचीव किया है और कितना ही मज़ेदार था ये बैटल देखना हाई एंड वर्सेस ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स के बीच में। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और अगर आप कुछ इस तरह का और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप कुछ खास प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो जिसके बारे में मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने रिव्यू नहीं किया है, लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस तरह का भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं और मैं आपको सबसे पहले दिख जाऊं। तो अब मैं चलती हूँ, फिर कुछ नया लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मिलती हूँ तब तक के लिए बाय बाय।